टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वर्तमान में विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं। क्रिकेट इतिहास में विराट से पहले सिर्फ 8 क्रिकेटर ने एक साथ वनडे और टेस्ट दोनों ही प्रारूपों में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर वन पोजीशन हासिल की है। खास बात यह है कि विराट कोहली से पहले भारत की ओर से उपलब्धि सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही हासिल कर सके थे। ऐसे में क्रिकेट की दुनिया में अपने बल्लेबाजों के लिए मशहूर भारत के निश्चित रूप से ये गर्व की बात है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कीथ स्टैकपोल, वेस्टइंडीज के पूर्व महान क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद, वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कालिस, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला का नाम शामिल है। बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में दोनों पारियों में 149 और 51 रन बनाए थे, जिसके बाद आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पछाड़ कर वो पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली 934 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले, स्टीव स्मिथ 929 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे और जो रूट 865 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।